नागपुर के आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। मंगलवार को चंद्रपुर के चिमूर जिले में विभागीय भरारी दस्ते ने जाल बिछाकर अवैध तरीके से शराब ले जा रहे दो वाहनों को कब्जे में लेकर वाहन चालकों को गिरफ्तार किया। दोनों वाहनों से तकरीबन 15,05,480 रुपए का माल जब्त किया गया। इस काम को नागपुर के आबकारी विभाग के विभागीय उप आयुक्त मोहन वर्दे के मार्गदर्शन में विभागीय भरारी दस्ते द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि चंद्रपुर जिले के चिमूर तालुका में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है। सहकारी अधिकारी व कर्मचारियों सहित शंकरपुर परिसर में साठगांव से शंकरपुर मार्ग बीच जाल बिछाया गया। इस दौरान दस्ते को सफेद रंग की स्कॉर्पियो वाहन और एक मारुति सुजुकी गाड़ी चिमूर की दिशा से आती हुई दिखी। दोनों गाड़ियों का पीछा करते हुए गाड़ियों को रोका गया और इसकी तलाश की गई, जिसके बाद गाड़ियों में शराब की बोतल पाई गई। एक गाड़ी में 80 सीलबंद पेटी मिली, जिसकी कीमत 1,99,680 रुपए थी और स्कॉर्पियो की कीमत 7 लाख है, जबकि दूसरी गाड़ी में 51 सीलबंद बोतल मिली, जिसकी कीमत 1,55,480 रुपए है और गाड़ी की कीमत 4,80,000। ऐसे कुल मिलाकर 15,05,480 रुपए का माल जब्त किया गया। अवैध तरीके से शराब ले जा रहे दो अपराधियों को महाराष्ट्र दारूबंदी नियम 1949 और विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई विभागीय भरारी दस्ते आबकारी विभाग के निरीक्षक साहू सलवी सहित द्वितीय निरीक्षक विशाल कुल्ले और अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई। आगे की कार्रवाई जारी है। राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे माननीय आयुक्त कांतीलाल उमप साहेब यांच्या आदेशानुसार श्रीमती वर्मा मॅडम व श्री वर्दे साहेब विभागीय उपायुक्त नागपूर यांच्या मार्गदर्शनानुसार विभागीय भरारी पथक नागपूर यांनी दिनांक 16 फेब्रुवारी 2021 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये अवैध मद्याची देशी विदेशी मद्याची वाहतूक होते अशी खात्रीलायक खबर मिळाली होती। त्यानुसार आम्ही चिमूर तालुक्यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याच्या चिमूर तालुक्यामध्ये सापळा रचून पाळत ठेवली असता चिमूरच्या दिशेने दोन वाहने येताना रात्री दिसून आली। सदर वाहनांचा पाठलाग करून तपासणी केली असता त्यामध्ये एक स्कॉर्पिओ महिंद्रा स्कॉर्पिओ गाडी व एक रिट्झ गाडी असल्या दोन गाड्या मिळून आल्या। त्या सदर गाड्यामध्ये तपासून करून पाहणी केली असता देशी मद्याचा साठा आढळून आला। त्या देशी मद्याच्या स्कॉर्पिओ मध्ये 80 पेट्या व रिट्झ मध्ये 51 पेट्या असा एकूण 131 पेटी माल मिळून आला। सदर मद्यमालाची किंमत वाहनासहित मद्यमालाची किंमत होते 15,05,160 रुपये। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।